हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से एक बार कनेक्ट करेंगे सभी। स्वागत है आप सभी का इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऊपर। फटाफट से एक बार कनेक्ट करेंगे बायो इनऑर्गेनिक के अपने सेशन के अंदर। कुछ नॉन ब्लू प्रोटीन्स, ब्लू प्रोटीन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद मैंने टाइप टू के अंदर आपको, देखिए टाइप तीन टाइप बताए थे, टाइप वन, टाइप टू एंड टाइप थ्री। टाइप वन, टाइप टू एंड टाइप थ्री। टाइप वन हम डिस्कस कर चुके थे, जिसके अंदर हमने प्लास्टोसाइनिन, एजुरिन, स्टेलोसाइनिन इनके बारे में बात कर लिया था। टाइप टू के अंदर एक प्रोटीन हमको पढ़ना है, मेटेलो प्रोटीन। टाइप थ्री आप पढ़ चुके हो, हीमोसाइनिन, वो डिटेल में करवा चुका हूँ। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, एक दो डिसीज के बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा मल्टीकोपर प्रोटीन, मल्टीकोपर प्रोटीन्स इनके बारे में चर्चाएं आज के सेशन में रहने वाली है। आज का मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा भाई साहब, जो भी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहा है, वो कोड को जरूर यूज करें, बी कैम 10 कोड जरूर यूज करें, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। बी कैम 10 कोड यूज करें प्लस सब्सक्रिप्शन के दौरान। और ये स्पेशल क्लासेस पे अपनी जो लेक्चर सीरीज है वो चल रही है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्पेशल क्लासेस के ऊपर क्वेश्चन सीरीज है केमिकल बॉन्डिंग का, ये बिल्कुल क्या है, फ्री है। इन क्लासेस को आप अनलॉक कर सकते हो बी कैम 10 कोड डालकर। जैसे ही आप अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट राजेश कुमार के नाम से सर्च करेंगे, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट खोल सकते हैं। उसके बाद आप कोड डालकर इन क्लासेस को बिल्कुल फ्री में अनलॉक करके देख सकते हैं। यहां तक की बात आई थिंक आप सभी को क्लियर होगी। इसके अलावा ये बैच चल रहे हैं मुन्ना लोग, 11 अक्टूबर से, 6 अक्टूबर से ये सब बैच स्टार्ट है। 11 अक्टूबर, 6 अक्टूबर आउटसाइन बैच, गेट, NCSIR, UGC, नेट, ये सब। मैथमेटिकल साइंस के लिए 12 अक्टूबर से स्टार्ट है। इसके अलावा 13 अक्टूबर से आउटसाइन बैच लाइफ साइंस के लिए भी स्टार्ट है। और अगर हम बात करें 6 अक्टूबर से, 10 अक्टूबर से, बहुत से बहुत चल रहे हैं। इन सभी बैच को क्या कर सकते हैं, जिस जिसका जिस फिजिकल साइंस का, और ये सारे क्या कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। 6+1, 6+1 ये वाले ऑफर चल रहे हैं, आपको वैलिडिटी ऑफर मिल रहे हैं। अगर आप परचेज करते हैं तो आपको वैलिडिटी पीरियड आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। 6 वाले पे आपको 7 मंथ मिल रहा है, 24 वाले पे आपको 27 मंथ मिल रहा है। ठीक है, ये डेट आपको नीचे बता रखा है कि कब तक ये वैलिड है, कब तक ये वैलिड है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर जान लो बी कैम 10 कोड यूज करना ना भूलिएगा। स्पेशल क्लासेस को फ्री में देख सकते हो कोड डालकर। और इसके अलावा ये वाला जो ऑफर चल रहा है 14 से लेकर 20 अक्टूबर तक। और अगर हम बात करें फ्री क्लासेस की, स्पेशल क्लासेस बोले तो फ्री क्लासेस एकदम फ्री क्लासेस हैं ये, इन पे कोई चार्जेस नहीं है फ्री क्लासेस का। डायरेक्ट आप बी कैम 10 कोड यूज कीजिएगा और देख सकते हैं इन क्लासेस को। बी कैम 10 कोड यूज करके क्या कर सकते हैं, इन क्लासेस को आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोल, रेज एंड का ऑप्शन, नेवर मिस क्लास, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनीवेयर, आपको ये सब चीज़ें क्या करती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर मिलता है। मीन्स आप वीडियो को लाइव रिकॉर्डेड, लेक्चर नोट्स कैसे भी आप, जैसे आपको मन करे आप इनको देख सकते हैं। ये सीरीज अपनी चली रही है, मैंने बता दिया, आज लेक्चर नंबर 12 इसका आने वाला है। लेक्चर नंबर 12 टाइमिंग शाम का रहेगा, 6 PM का टाइमिंग रहेगा। 6 PM, 6 to 7 PM इनका टाइमिंग है रहने वाला है क्लास का। लाइफ साइंस की क्लासेज आप सभी को पता है अनअकैडमी CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे हो रही है। प्राइस हाइक कर सकता है दोस्तों कभी भी इस, ठीक है, तो इसको ज्वाइन कीजिएगा। मैं चार्जिंग पे देख लेता हूँ, एक बार चार्जिंग पे नहीं है क्या, ब्राइटनेस कम हुआ है। ठीक है, बी कैम 10 कोड आप यूज कर सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के दौरान, और अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर स्पेशल क्लासेज को फ्री में देखने के लिए। दो टाइप का सब्सक्रिप्शन है, लाइव क्लासेस, क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स। ये अनलिमिटेड एक्सेस है, बहुत जबरदस्त चीज है। आपके पास टाइम है अगर तो आप 3 महीने के अंदर भी सिलेबस कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे होंगे, मान लीजिए 100 एजुकेटर पढ़ा रहा है, 4 एजुकेटर किसी बैच में, 3 एजुकेटर किसी बैच में, तो वहां से आप सब एक सब्सक्रिप्शन से सबका वीडियो देख सकते हैं, और रिकॉर्डेड और लाइव जो हो चुकी है वीडियोज वो भी देख सकते हैं, जो आने वाला कोर्स है वो भी देख सकते हैं, लाइव चल रहा है वो देख सकते हैं। तो आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप कितना टाइम दे रहे हैं अपनी तैयारी को, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस को भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ आइकॉनिक के अंदर आपको ये फीचर्स मिलते हैं,
पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस वगैरह, ये आपको आइकोनिक के अंदर मिलता है। लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल कोर्स, ये आपको आइकोनिक एंड प्लस के ऊपर मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करके और कुछ नहीं अपना कैटेगरी चूज करना होगा, और उसके बाद आपको क्या करना होता है, कोई भी सब्सक्रिप्शन जो आपको ठीक लगता है कि आपकी तैयारी इतने दिनों में ठीक हो सकती है। तो जैसे कि यहाँ अगर आप देख रहे हैं 3 मंथ के लिए आपको 6250 रुपये शो हो रहा होगा, बट अगर जैसे ही आप BCAM10 कोड यूज करेंगे, BCAM10, तो ये आपको पड़ेगा अराउंड 5625 रुपये के आसपास, देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ 10% डिस्काउंट करना है आपको। क्या करना है? 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट में आप देख सकते हो कितना आपको बनेगा, ठीक है, ये देख लेना आप। अराउंड मतलब आपको अराउंड 600 के आसपास, आपको 600 प्लस ही कुछ आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। सेम इसी तरह से इस पे 11600 पे, 14500 पे, 20000, इन सब पे क्या है, 10% डिस्काउंट पा सकते हो कोड यूज करके, BCAM10 कोड यूज करके क्या कर सकते हो आप, पा सकते हो। सेम ये आइकोनिक के लिए रहेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप BCAM10 कोड यूज करें, या रेफरल कोड होता है, या जैसे ही आप कोड डालोगे आपको 10% डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैसे भी आप क्या कर सकते हो, आप इसको पेमेंट को कर सकते हो। बग्स बंटी आपको पता ही है, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट से रिलेटेड है, लाइक आप ठोकी देते हो सारे, एकदम से पसंद आ जाता है वीडियो आपको तब, ठीक है। स्टार्ट किया जाए बायो इनऑर्गेनिक का मामला, टॉपिक मैंने आज का बता ही दिया तुमको कि क्या रहने वाला है अपना टॉपिक आज का, आज का टॉपिक हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एक बार मैं शेयर कर देता हूं तुम सभी के साथ वीडियो को, ये हमने लास्ट टाइम यहां रोक दिया था मामले को, ठीक है। तो एक बार मैं शेयर कर देता हूं सभी मुन्ना लोग को, ताकि सबको पता चल जाए कि क्लास स्टार्ट हो चुका है। सर एक मिनट सभी वेट करेंगे जब तक मैं इसको आपको शेयर कर देता हूँ, ताकि आप सभी इंजॉय कर सकें, सेशन का मजा उठा सकें। देखो भाई, हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक आपको करवाया था मैंने, टाइप ऑफ ब्लू कॉपर प्रोटीन के बारे में, किसके बारे में, कॉपर प्रोटीन्स के अंदर मैंने आपको कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कॉपर प्रोटीन्स के अंदर, और इसके अंदर मैंने 3 कैटेगरी बनाई थी, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। अगर आप सभी को याद हो तो मैंने 3 कैटेगरी बनाई थी, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 के अंदर मैंने आपको डिस्कस कर दिया था, जिसके अंदर प्लास्टोसाइनिन, एजुरिन, सेल्यूरोप्लाज्मिन और इसके अलावा स्टेलोसाइनिन, ये हमने डिस्कस कर लिया था। यहां मैंने बोला था हीमोसाइनिन को हम पढ़ते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं, हीमोसाइनिन बचा कौन सा हुआ था, टाइप 2 बचा हुआ था, इनको क्या बोलते थे, ब्लू कॉपर प्रोटीन, टाइप 1 वालों, ये नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन था, टाइप 2 वाला क्या था, नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन। और इसके अंदर आपको क्या पढ़ना था, एस्कॉर्बेट, क्या पढ़ना था, एक तो गैलेक्टोज होता है, दो चीजें आज मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक गैलेक्टोज, गैलेक्टोज ऑक्सीडेज, और एक हम पढ़ेंगे एस्कॉर्बेट ऑक्सीडेज, ठीक है, एक ल्यूकेज ऑक्सीडेज, इन तीनों चीजों चारों के बारे में बात करेंगे, कुछ डिसीज के बारे में बात करेंगे डिटेल में, यहां तक की बात किसी को कोई डाउट है तो बोलो, ये एक आज का टॉपिक रहेगा अपना, अब तक का ये मामला रहेगा। हेलो, गुड आफ्टरनून पम्मी वर्मा, गुड आफ्टरनून प्रीति, सर ये प्ले लिस्ट बायो इनऑर्गेनिक का बना दीजिए, सिकंदर सिंह ऑलरेडी बना हुआ है भाई साहब, सिकंदर सिंह जी ऑलरेडी बना हुआ है, बना हुआ है जी, बना हुआ है एकदम से, ऑलरेडी बना हुआ है ये। तो देखो भाई, आज अपन बात करेंगे वो टाइप 2 के बारे में करेंगे पहले, तो पहला हेडिंग डालो टाइप 2 के अंदर, जिसको बोला था नॉन ब्लू प्रोटीन, क्या बोला था, ये टाइप 2 के अंदर आता है, किसके अंदर, टाइप 2 के अंदर, और नाम क्या होगा, गैलेक्टोज ऑक्सीडेज, क्या होगा, गैलेक्टोज ऑक्सीडेज। अगर कोई बायोमोलिक्यूल का मामला देख रहा होगा तो उनको सबको पता होगा, ग्लेक्टोज को हमने पढ़ लिया था, ग्लेक्टोज
ऑक्सीडेज, गैलेक्टोज ऑक्सीडेज। अब तुमको साफ साफ पता चल रहा होगा कि ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है पहली बात तो, क्योंकि ये टाइप किसका है, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन का टाइप टू है। क्या है? कॉपर कंटेनिंग टाइप टू है। इसी को क्या बोलते हैं? नॉन ब्लू प्रोटीन, नॉन ब्लू प्रोटीन, नॉन ब्लू प्रोटीन। आ रही है बात समझ में? कॉपर कंटेनिंग, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। ये थी चीजें अब तक की। इसके अंदर इसका यूज क्या होगा सबसे पहले तो वो देखना है, यूज क्या होगा, क्या क्या इसकी, कुछ 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 बातें आपको याद रखनी होगी, कुछ कुछ बातें क्या करनी होगी, याद रखनी होगी। सबसे पहले ये कहां पाया जाता है, कहां पाया जाता है, फाउंड कहां होता है? फाउंड इन फंगी, जो फंगी है उनके अंदर ये क्या पाया जाता है? गैलेक्टोज ऑक्सीडेज। अब एक बात तो आपको समझ में आ चुकी होगी अब तक, बहुत से हम कर चुके हैं। एज का मतलब एंजाइम, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीडेशन, और गैलेक्टोज का मतलब गैलेक्टोज का ऑक्सीडेशन। यहां तक की बात तो सबको क्लियर हुई होगी, यहां तक की बात सबको क्लियर हुई होगी। अब ये करता क्या है, देखो गैलेक्टोज ऑक्सीडेज क्या करेगा, इट कैटालाइज, लिख लो, इट कैटालाइज द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अभी किसका ऑक्सीडेशन करेगा? गैलेक्टोज का। गैलेक्टोज के अंदर तुमने एक यूनिट देखा होगा CH2OH यूनिट होता था, अगर तुमको याद हो गैलेक्टोज में ऐसे 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 CH2OH यूनिट हुआ करता था। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि अगर ये एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दे तो हम बोल देंगे कि गैलेक्टोज का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, यही तो बोलोगे। तो आप क्या बोलोगे? इट कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ द CH2OH यूनिट, यूनिट बोल दो या ग्रुप बोल दो, इन गैलेक्टोज। गैलेक्टोज के अंदर जो CH2OH यूनिट होती है उसको क्या कर देते हैं, ये कन्वर्ट इनटू टू CHO ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। बोलो बोलो ना जल्दी, यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? नाम से पता चल रहा था ये समझ में आया कि नहीं आया, सबसे पहले तो ये बता दो यहां तक की बात क्लियर हुई। टाइप टू पढ़ रहे हैं, टाइप वन जो बाद में जुड़े वो सुन लो। टाइप वन हम कर चुके हैं, टाइप थ्री हम कर चुके हैं, और टाइप टू के अंदर पढ़ रहे हैं। टाइप टू के अंदर, टाइप टू के अंदर गैलेक्टोज ऑक्सीडेज। हेलो सर, हेलो तौसीफ, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। लाइक ठोक दो भाई सारे एक बार, क्योंकि सारे लाइक ठोक देंगे एक बार, जो भूल गया वो कर देगा। अब देखो गैलेक्टोज ऑक्सीडेज आपसे बोल दे तो नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन होगा, फंगी के अंदर पाया जाता है, और गैलेक्टोज का क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। अब तुम एक बात जानते हो कि गैलेक्टोज के अंदर सर कुछ ऐसे अल्कोहल भी तो थे जो सेकेंड डिग्री के थे, ये प्राइमरी था, तो ये किसका कर रहा है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन? प्राइमरी अल्कोहल का कर रहा है, सिर्फ CH2OH यूनिट वाले का, जो कि वन डिग्री का है। क्लियर है बात? ये बात क्लियर है सबको? तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, जो कि वन डिग्री का अल्कोहल होगा उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। ऐसे लिख लो, वन डिग्री का ROH कन्वर्ट इंटू RCHO। यहां तक की बात समझ में आनी चाहिए आपको फटाफट से, यहां तक की बात समझ में आनी चाहिए फटाफट से। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन हुआ है तो उस टाइम पे किसी का रिडक्शन भी हुआ होगा, जब ये ऑक्सीडेशन हुआ है तो उस दौरान किसी का रिडक्शन भी हुआ होगा, तो क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन करते टाइम ये क्या करेगा भाई, ये क्या बोलोगे, वन डिग्री ROH कन्वर्टेड इंटू RCHO बाय रिड्यूजिंग। भाई इसको ऑक्सीडाइज किया है तो किसी को रिड्यूज भी होना पड़ा होगा, तो क्या लिखोगे, रिड्यूज किस किया, O2 को H2O2 के अंदर, H2O2 के अंदर। तो ऐसा बोल सकते हैं कि O2 का तो क्या हो गया, रिडक्शन, और अल्कोहल का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहां तक की बात समझ में आई, यहां तक की बात समझ में आई क्या? बोलो, मोलिकुलर मास तो रफली याद रख लेना, ज्यादा रटना नहीं है, मोलिकुलर मास को ज्यादा रटना नहीं है, रफली याद रख लेना, इसके साथ ही लिख लो बनी जाएगी, ठीक है। 68,000 रफली याद करना है, ज्यादा रटना नहीं है कि इसको रटने बैठ जाओ कि 68,000 होगा, 68,000 होगा, सारा दिन 68,000 ही करते रहो। क्लियर है ये वाली बात, यहां तक की बात? बोलो भाई। अब इसका इन्वायरमेंट कैसा होगा, क्या क्या लिगेंट इसके साथ जुड़े हो सकते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है कि गैलेक्टोज ऑक्सीडेज है उनके अंदर क्या है अपने पास, कॉपर मेटल होगा क्योंकि कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, उस कॉपर के साथ क्या क्या लिगेंट्स लगे होते हैं वो याद रख लेना, पूछता नहीं है बट क्या बताए
एग्जामिनर का कुछ नहीं भरोसा है भाई, नेट का एग्जाम है तो नेट में कुछ भी पूछ सकता है, ऊटपटांग। ठीक है, सिंपल वाली चीज तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, मुश्किल वाली भी उतना ही मान के चला करो कि ये भी आ सकता है। किसी चीज को छोड़ना मत करोगे, अगर किसी टॉपिक को कर रहे हो तुम, मान के चल रहे हो कि मुझे बायो इनऑर्गेनिक से 10 नंबर लेने ही लेने हैं, तो कोई भी टॉपिक स्किप ना करें। अगर मैं कहता हूं या तो पूरा टॉपिक छोड़ दो किसी टॉपिक के लिए, या तो पूरा टॉपिक छोड़ दो या उसका कोई पोर्शन मत छोड़ो आप, अगर उसको तैयार कर रहे हो तो। क्योंकि ये थोड़ा भरोसा नहीं है कि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। देखो, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या हमारे पास कोई कॉलेज स्कूल के एग्जाम हो, तो उनमें आप टॉपिक स्किप कर सकते हो, क्योंकि वहां एक और का ऑप्शन आता है कि ये वाला क्वेश्चन कर लो भाई, या ये वाला क्वेश्चन कर लो सेम यूनिट में से। यहां तुम्हारे पास चॉइस बहुत होती है, पर सेम यूनिट के अंदर चॉइस नहीं होती है, तुमको पता हो तो। भाई तुम ये सोच के चल रहे हो कि 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों लगा के आने हैं, और तुमने वो 3 क्वेश्चन स्किप कर दिए, तो तुमको पता है कि तुम्हारे लिए वो भारी भरकम हो जाएगा एकदम से। ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ क्या जुड़े होंगे इसके साथ, 2 तो नाइट्रोजन जुड़े होते हैं, कौन से, इमिडाजोल के, इमिडाजोल हिस्टाडाइन रेजिड्यू के 2 तो नाइट्रोजन जुड़े होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। 2 ही ऑक्सीजन एटम जुड़े होंगे, 2 क्या होंगे, ऑक्सीजन एटम जुड़े होंगे, याद रख लिया ये बात, 2 ऑक्सीजन एटम जुड़े होंगे टायरोसिनेज लिगेंड के। टायरोसिनेज जो होगा उसके क्या जुड़े होंगे, टायरोसाइन बोल दो, एज तो मत बोलिए, एज तो एंजाइम हो जाएगा, टायरोसाइन ही बोलिए अमीनो एसिड्स के। 2 ऑक्सीजन एटम, 2 नाइट्रोजन एटम, और 1 ऑक्सीजन एटम अलग से, 1 ऑक्सीजन एटम अलग से लिखोगे, ऑक्सीजन 2 है पर टाइप 3 हो जाएंगे। 1 ऑक्सीजन क्या होगा, एसीटेट का होगा, एसीटेट आयन का। टोटल 5 जुड़े होते हैं, स्केयर पिरामिडल टाइप की ज्योमेट्री बनती है, क्या बनती है, स्केयर पिरामिडल टाइप की। बस तुमने जो ये स्लाइड पे लिखा हुआ है ना, इतना भी एक बार थोड़ा थोड़ा नजर मार लिया ना तुमने, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बोल दो, यहां तक क्लियर है सबको एकदम से मामला ये वाला। तो ये हुआ तुम्हारा गैलेक्टोज ऑक्सीडेज कंप्लीट, गैलेक्टोज ऑक्सीडेज कंप्लीट, बोलो मामला एकदम झक्कास क्लियर है सबको, ये मामला एकदम सबको क्लियर है। कॉपर प्रोटीन टाइप 1 के अंदर तुमको पढ़ाया गया प्लास्टोसाइनिन, एजुरिन, सेरोप्लाज्मिन, और इसके अलावा एक और भी करवाया था मैंने, स्टेलोसाइनिन, जो कि हुई में दिया हुआ है, नॉर्मल बुक्स में आपको नहीं दिया हुआ, इंडियन ऑथर की बुक में नहीं मिलेगा। एक और भी लिख लो यार, स्टेलोसाइनिन जो पढ़ा दिया था तुमको, क्वेश्चन भी करवा दिया था इसके ऊपर, ठीक है। टाइप 2 के अंदर गैलेक्टोज ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेज। टाइप 3 के अंदर हेमोसाइनिन आता है, जो कि तुम पढ़ चुके हो, ये नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन होता है। क्या लिख लोगे इसके नीचे, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें, एल्डिहाइड में, साथ में क्या बनता है, H2O2 भी बनता है, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन किससे बनता है, वो किससे बनता है कि O2 को रिड्यूस होना पड़ता है H2O2 के अंदर, साथ ही उसी रिएक्शन के दौरान। क्लियर है एकदम, लाइक ठोक दो सारे इसी बात पे बस। एक बात और ध्यान रख लेना, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज भी नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन के अंदर ही आता है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज भी नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन के अंदर ही आता है, ये बात ध्यान में रख लेना तू। अभी देखो, ये तो बात हुई टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 की। कई बार क्या होता है कि टाइप 4 भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टाइप 4। टाइप 4 क्या मतलब है, टाइप 4 का क्या मतलब है सर, थोड़ा सा बताइए भाई। आपने पहले तो यही बोला था कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बोलेंगे, टाइप 4 कई बार बोल दिया जाता है। बेसिकली ये होते क्या है, मल्टी कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर टाइप 1 का भी कॉपर मिलेगा, टाइप 2 का भी मिलेगा, टाइप 3 का भी मिलेगा, कि मल्टी कॉपर वाले में यहां मेरे पास सबके यूनिट आ सकते हैं, टाइप 1 वाला भी आ सकता है, टाइप 2 वाला भी आ सकता है, टाइप 3 वाला भी आ सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टी कॉपर प्रोटीन। तो इसको कई बार टाइप 4 भी बोल दिया जाता है, क्लियर है ये वाली बात, यहां तक की बात। मतलब जो हमने अब तक पढ़े हैं उनमें से कोई ना कोई एक एक यूनिट बोल दिया भाई, एक यूनिट तो आगे टाइप 1 का, 2 यूनिट आगे टाइप 2 के, 3 यूनिट आगे टाइप 3 के, तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग, क्लियर है यहां तक की बात। इसके अंदर क्या क्या पढ़ोगे, जिसके अंदर मल्टी कॉपर्स होंगे, टाइप 1 भी होगा, टाइप 2 भी होगा, टाइप 3 भी होगा, तो लिख लो, एक तो एस्कॉर्बेट ऑक्सीडेज,
एस्कोर्बेट ऑक्सीडेज, एक तो ये होता है जिसके अंदर, एक तो ये वाला पढ़ते हैं, दूसरा क्या पढ़ते हैं बोलो भाई, दूसरा किसी किसी ने पढ़ा हुआ है ये चीज, किसी ने पढ़ा हुआ है क्या ये वाला चीज, लैकेज, डबल सी कर लो, लैकेज, एज का मतलब एंजाइम, ठीक है, एज का मतलब एंजाइम, ये वाली बात किस किसने पढ़ी हुई है पहले ये बताओ, जल्दी से फटाफट से बोल दो भाई, कितने लोगों ने पढ़ रखा है, जल्दी जल्दी से बोल दो, एक मिनट में फास्ट फास्ट, ठोक दिया सर पहले ही, परोक्सीडेज में कौन सी ऑक्सीजन कन्वर्ट, परोक्सीडेज में कौन सी ऑक्सीजन कन्वर्ट होगी, क्या बोले हो, परोक्सीडेज में कौन सा कन्वर्ट होगा, परोक्साइड में, परोक्साइड में, परोक्साइड में नहीं बोला है, O2 को कन्वर्ट किया है H2O2 के अंदर, O2 को H2O2 के अंदर कन्वर्ट किया है, मतलब इसका रिडक्शन हो गया ना, यहाँ ये जीरो में है मुन्ना, और यहाँ -2 में चला गया, -1 में चला गया एक ऑक्सीजन एटम, रिडक्शन हुआ है ना, क्लियर हुई है वाली बात। अच्छा इसको एक बात और देख लेना, कई बार सेरोप्लाज्मिन जो है, जो तुमने पढ़ा था सेल्यूरोप्लाज्मिन, तुमको पढ़ाया गया था, इसमें मैंने टोटल 6 तुमको क्या बताए थे, 6 कॉपर होते हैं, तो 6 कॉपर में ये भी तो इसमें भी आ गया ना, एक से ज्यादा मल्टी कॉपर वाले में, सेल्यूरोप्लाज्मिन को अगर तुमको दोनों ऑप्शन दे दे, पहली बात तो देगा ही नहीं वो, सेल्यूरोप्लाज्मिन भी किसमें आता है मल्टी कॉपर में, क्योंकि इसमें भी हमने क्या पढ़ा था, टाइप 1 भी होता है, टाइप 2 भी होता है, टाइप 3 भी, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने लिखवाया भी होगा आपको, अगर आपको मैंने करवाया था तो आपको पक्का लिखवाया होगा, सेल्यूरोप्लाज्मिन कहां करवाया था, किसी को याद हो तो, किसी को याद हो तो, ये रहा, यहां टोटल 312 से याद करवाया था मैंने, ये देख लीजिए टोटल 312 से याद करवाया था, अगर किसी ने लेक्चर देखे होंगे तो, ये देख लो 1 2 3, टाइप 1 के 3 होते हैं, टाइप 2 का 1 होता है, टाइप 3 का 2 होता है, ये मैंने टोटल 6 तुमको बोला था, और जिसमें टाइप 1 2 3 तीनों का 1 2 3 टोटल 6 कॉपर होते हैं, तो इसको भी क्या बोल देते हैं, मल्टी कॉपर प्रोटीन के कैटेगरी में भी रख देते हैं। कई बार यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बोलो, यहां तक की बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए, ये वाली बात सबको क्लियर हो जानी चाहिए, मल्टी कॉपर प्रोटीन के अंदर ये वाली सारी चीजें सबको क्लियर होनी चाहिए, बोलो। अब कौन कहां पाया जाता है, सबसे बड़ी बात तो यही आती है सर, कौन कहां पाया जाता है, तो लिख लेना ये वाली दोनों चीजें कहां मिल जाती है अपने को, प्लांट के अंदर, फाउंड इन प्लांट, क्या लिखोगे, फाउंड इन प्लांट, ये तो प्लांट के अंदर मिलेगा, और ये तुमको मैंने बताया था फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस दिन भी मैंने बताया था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, अगर तुमने ये पढ़ा है ध्यान से तो ये बातें तुमको याद रहनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आपको आ रही है, आ रही बात समझ में। अच्छा ये क्या कैटलाइज करते हैं, क्या काम करते हैं, थोड़ा सा लिख लो, मल्टी कॉपर प्रोटीन्स में क्या होते हैं, दे कैटालाइज लिख लो, दे कैटालाइज, दे कैटालाइज, ये क्या करते हैं, O2 टू H2O में कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन को H2O के अंदर, O2 टू H2O, ठीक है, एक तो ये करते हैं, सेम टाइम पे जब ये हो रहा होता है उसी सेम टाइम पे लिख लो, सेम टाइम पे ऑक्सीडेशन किसका कर देते हैं, ये ऑक्सीडेशन कर देते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का भी क्या कर देते हैं ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है सर, कोई भी हमारे पास फिनोल हो गया, एल्कोहल हो गया, उनको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा ऑक्सीडेशन की प्रेजेंस में। सर जी थोड़ा सा एग्जाम्पल से बता दो, ये RH है, ये ROH है, ये R रेडिकल बनाएगा फिर H2O, ये रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है मुन्ना लोग, ठीक है, और यहां भी क्या बनता है अपने पर, अगर देखा जाए तो O2 को किसमें कन्वर्ट कर दिया, H2O के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, आ रही है बात समझ में भाई, जल्दी से बोलो, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से जाता है ये, इतना नहीं पूछेगा तुमसे कि पॉलीमराइजेशन, सर रुक गया वीडियो, चल रहा है यार तौसीफ, वीडियो तो चल रहा है भाई साहब, एकदम क्लियर, एकदम जोरदार क्लियर चल रहा है यार, है भाई तौसीफ, यहां तो सही चल रहा है यार मेरे पास, तो तुम्हारे पास रुक गया है क्या, रुका हुआ है क्या,
बोलिएगा भाई, एक बार रुका हुआ है क्या? अब चल रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एक एक को समझ लेते हैं। सबसे पहले एस्कॉर्बेट को ले आते हैं। किसको? अभी जो नाम लिखा था, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। मोटा मोटा जानकारी इसका ले लो। एस्कॉर्बेट कई बार पूछ लेता है, तो थोड़ा सा जानकारी तुमको होना चाहिए। ज्यादा डिटेल में नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा तुमको पढ़ा होगा, तो तुमको अगर ऑप्शन दिखाई देगा एस्कॉर्बेट ऑक्सीडेज, इसके अंदर कितना क्या होगा। देखो पहली बात तो ये मल्टीकोपर प्रोटीन है। क्या है? मल्टीकोपर प्रोटीन है। दूसरा, इसके अंदर अगर मल्टीकोपर है तो कितना कौन कौन सा कितना होगा, तो क्या बोलोगे? मोनोमर हो जाएगा। किसका? मोनोन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर का मतलब है कि एक न्यूक्लियर, एक न्यूक्लियस मतलब एक कॉपर मेटल आएगा। एक कॉपर मेटल कौन सा? टाइप वन वाला। और किसका? टाइप वन एंड टाइप टू कर लो, टाइप वन एंड टाइप टू का। टाइप वन और टाइप टू का मोनोन्यूक्लियर, और टाइप थ्री का डाई न्यूक्लियर। ये बात तुमको याद रखनी है। डाई न्यूक्लियर किसका? डाई न्यूक्लियर टाइप थ्री का। ये बात याद रखनी है। एस्कॉर्बेट अगर क्वेश्चन मुश्किल बना पेपर, तो पक्का आपको यहां से मिल जाएगा मामला। कॉपर मल्टी कॉपर प्रोटीन होगा, मोनोन्यूक्लियर टाइप वन टाइप टू, डाई न्यूक्लियर टाइप थ्री। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से बोल दो, फटाफट से एकदम से। इसमें पता है क्या होता है? जो अलग कॉपर है एक टाइप वन वाला, टाइप वन वाला जो है, और इसका ब्लू कलर किसकी वजह से होता है ये भी लिख लेना भाई। ब्लू कलर किसकी वजह से होता है? कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होगा? कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? टाइप वन। ये तो हमें पता है सर, टाइप वन ब्लू कॉपर प्रोटीन होता है। तो अगर इसका कलर आ रहा होगा तो टाइप वन की वजह से ही आ रहा होगा, ये तो कंफर्म है। टाइप वन की वजह अब चल रहा है सर, ठीक है। अरे बहुत दिनों बाद दिखे हो, तो सिर्फ कहाँ थे? सेब तोड़ रहा था क्या? सेब तोड़ रहा था है भाई? तो सिर्फ क्या सेब तोड़ रहा था? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो। अब तुमसे ना इसका स्ट्रक्चर पूछ सकता है कि क्या क्या इसके साथ कितना कितना मामला क्या क्या जुड़ा होता है। तो याद रख लेना, कॉपर के साथ एक हिस्टाडीन, हिस्टाडीन और इधर एस सिस्टीन का, और एक अपने पास क्या होगा? मिथियोनिन का। एस क्या होगा? मिथियोनिन का। ये तुमको याद रखना है, ये तुमको याद रखनी है ज्योमेट्री इसकी, कि ऐसी बनेगी तीन और चार एक पांच, चार इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चार वाला मामला। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात बताओ यार, जल्दी से जल्दी से। यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलो जल्दी से फटाफट से एक बार सभी, कि यहां तक की बात सर एकदम क्लियर है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर पता है किसका? टाइप वन का है। ये जो तुमको कोऑर्डिनेशन नंबर बताया ये टाइप वन का है, टाइप वन का, टाइप वन का। क्लियर है ये वाला? टाइप वन का है। और इसके अलावा तुम देख रहे हो तो तीन कॉपर और होंगे, कॉपर थ्री। देखो कैसे, यहां से देखो थोड़ा सा, अगर मैं तुमको यहां से एक्सप्लेन करूं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, व्हाइट ले लेता हूं। डाई न्यूक्लियर का मतलब दो कॉपर तो इसके, एक कॉपर इसका, ये तीनों ने मिलकर कॉपर थ्री यूनिट बनाया, मतलब एक ट्रायंगुलर एरे बनाएगा। ये क्या करेगा? एक ट्रायंगुलर एरे बनाएगा। और उनके बाहर क्या होंगे? एट हिस्टाडाइन अमीनो रेजिड्यूज होंगे। क्या होंगे? एट हिस्टाडाइन अमीनो रेजिड्यूज। इसका तुमसे पूछ सकता है ये वाला, ये टाइप वन के लिए है, जो कि मेन फंक्शनिंग है टाइप वन के लिए। एस्कॉर्बेट के अंदर टाइप वन के लिए। नो सर, नेट बंद था यहाँ, बड़ा नेट बंद होता है यार वहाँ, दिल्ली नेट बंद कर देते हैं, कैसे काम चलता होगा हैं? लफड़ा तकड़ा ऐसा क्या, ऐसा ही है क्या? अब लिखो नेक्स्ट, एक और लिख लो, इसको भी लिख लो, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा सा इसको भी जान लो। इसमें क्या होगा? ये भी क्या है? मल्टीकोपर प्रोटीन है, मल्टीकोपर प्रोटीन। अगर तुम इसको भी देखोगे तो ये भी क्या होता है? ट्रायंगुलर। टाइप वन क्या होता है? टाइप वन। अभी जैसे देखा था ना, टाइप वन, टाइप वन का कोपर, टाइप वन का एक कोपर किसके साथ? ट्रायंगुलर एरे। डिट्टो सेम कैसा? जैसा एस्कॉर्बेट के अंदर था, सेम इसके अंदर होता है।
क्या लिखोगे? टाइप वन कॉपर अलोंग विद थ्री कॉपर, या कॉपर थ्री लिख दो, कॉपर थ्री एरे। ये तुमको समझ में आना चाहिए कॉपर थ्री कौन से है। दो टाइप थ्री वाले हैं, एक टाइप टू वाला है, क्लियर है? एक टाइप टू वाला और टाइप थ्री वाला। यहां तक की बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सिमिलर किसकी तरह होगा? सिमिलर जैसे, सिमिलर टू एस्कॉर्बेट, एस्कॉर्बेट की तरह बिल्कुल सिमिलर, ठीक है। अब देखो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस देखना है तुमको क्या होगा। यहां सिर्फ क्या होगा अपने पास, जो ट्राइंगुलर एरे के ऊपर टाइप वन के अंदर ये वाला ग्रुप नहीं होता, बस उसके अंदर मिथियोनिन वाला नहीं होता, बिल्कुल ट्राइंगुलर प्लेनर होता है। ये क्या होता है? ट्राइंगुलर प्लेनर सिस्टीन। बस ये मिथियोनिन लगा होता था टाइप वन में, एस्कॉर्बेट में, इसमें नहीं लगा होगा। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो जल्दी से, बस फटाफट से जल्दी से बोलिएगा। क्या बोलोगे? यहां जो एक्सियल लिगेंट था ना, ये वाला एक्सियल लिगेंट, ये एक्सियल बोल सकता हूं मैं इसको, एक्सियल लिगेंट, इसमें ये मिसिंग होगा, बस मिसिंग होगा, ये मिसिंग होगा एक्सियल लिगेंट। इससे सिंपल तरीके से और याद नहीं किया जा सकता, ये बहुत सबसे सिंपल तरीका ये है, ऐसे याद किया जा सकता है। इसको दो बार पढ़ लोगे, एनकाउंटर था यहां। अच्छा जी, सेफ रहना भाई, ध्यान से रहना, ठीक है? बोलो भाई जल्दी से, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से बोल दो एकदम, मुन्ना लोग जल्दी से। बोलो भाई फटाफट से, यहां तक का क्लियर हुआ मामला? ये थे अपने कॉपर प्रोटीन के, ब्लू कॉपर प्रोटीन का मामला यहां तक का, जिसमें तुमने ये सारी चीजें आज की देख ली है। अब मैं तुमसे एक दो डिसीज के बारे में बात करने वाला हूं। ये हुआ कॉपर प्रोटीन, मल्टी कॉपर प्रोटीन, ब्लू कॉपर प्रोटीन, सबके बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ये वाली चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं तुम्हारे साथ ऑलरेडी, तीनों चारों ये वाली चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं सारी, ये भी कर चुके हम। ये बचा हुआ था टाइप टू वाला, जो कि आज करवा दिया तुमको सारा मामला, ठीक है। अब मेरे को एक चीज पूछनी है आपसे, कितने लोगों को पता है डिसीज के बारे में? कभी भी एग्जाम में टपक सकता है तुम्हारे सामने, कितने लोगों को पता है इस डिसीज के बारे में, कभी भी टपक सकता है तुम्हारे सामने? साइडेरोसिस डिसीज किस वजह से होता है, क्यों होता है, इसके बारे में कौन जानकारियां देगा? साइडेरोसिस लाइट गया क्या? इस डिसीज के बारे में कितने लोगों को पता है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट से बताइएगा मुन्ना लोग, फटाफट से क्या होगा इस डिसीज के बारे में, कौन जानकारी देगा? फास्ट जानकारी दे दीजिए एकदम से कि सर ये डिसीज किस वजह से होता है, क्या होता है इसके डिसीज के अंदर, जल्दी से बोल दो बस। जल्दी बोलो भाई मुन्ना लोग, फटाफट से बोलो। बोलिए भाई जल्दी से, फटाफट से रिप्लाई करें जो भी मुन्ना देख रहा है। किसी को पता है तो बोल देगा फटाफट से, अगर किसी मुन्ना को पता है तो जल्दी से बोल देगा फटाफट से, एकदम फास्ट बोल दो कि सर ये इस वजह से। साइडरोसिस डिसेस कोई बताएगा हमको कि क्या होता है? बिल्कुल एकदम क्लियर भाई, एकदम क्लियर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो सिर्फ क्या होता है, जब हम एक्सेस में क्या ले लेते हैं, एक्सेस में क्या ले लेते हैं, आयरन। अगर हमारी बॉडी में एक्सेस में आयरन गया तो ये बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है अपने में, अपने लिए क्या कर देता है, क्रिएट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। और ये जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है इन्हीं को क्या बोलते हैं, साइडरोसिस डिसीज बोलते हैं। इसका थेरेपी किया जा सकता है, थेरेपी कैसे करोगे, चिलेशन मेटल्स, चिले मेटल को चिलेट करके बाहर निकाला जा सकता है, मतलब कोई चिलेटिंग लिगेंट यूज करके
एक्सेस में जो आयरन है उसको ट्रीट किया जा सकता है, कैसे? चिलेशन थेरेपी से इसको क्या किया जा सकता है, थेरेपी से इसको ट्रीट किया जा सकता है एक्सेस आयरन को, जो एक्सेस आयरन लिया है। और ये जो एक्सेस आयरन है ये क्या करता है अपनी बॉडी के अंदर, किडनी पे इफेक्ट डालता है, ये किडनी को इफेक्ट कर देता है, ये क्या करता है किडनी को इफेक्ट करता है ये अपने आप। किडनी को करेगा तो लीवर को भी करेगा साथ में, दोनों ही चीज लिख लो, किडनी एंड लीवर, ठीक है। अच्छा एक बात और है कि सर ये मान लीजिए हमने ले भी लिया, डिसीज अपने अंदर चला गया, तो मैंने कल भी तुमको बताया था जब हम भोजन खाते हैं कोई भी तुमने फूड लिया तो आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में अंदर जाता है, आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अपनी बॉडी के अंदर जाता है, मैंने कल ये बात तुम्हारे साथ डिस्कस की थी। बिल्कुल 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 एकदम बोलो भाई, मैंने तुमको बोला था कि आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अपनी बॉडी के अंदर जाता है, तो कल हमने बात की थी उस टाइम पे मैंने आपको बताया था जो फूड है उसमें अगर हम आयरन ले रहे हैं तो वो प्लस टू में लेते हैं, आयरन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में, और फिर वो कन्वर्ट होता था आयरन प्लस थ्री के अंदर, और इसी प्लस थ्री को आगे फिर काम कौन करता था, ट्रांसफेरिटिन और फेरिटिन इसको आगे लेके जाते थे, फेरिटिन एंड ट्रांसफेरिटिन क्या करते थे, ट्रांसफेरिटिन और फेरिटिन क्या करते थे, स्टोरेज का और ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। अब अगर ये एक्सेस में हो गया बॉडी में तो इसको निकालने के लिए एक और बता देता हूँ, जो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो किसके साथ स्टेबल बनते हैं, प्लस थ्री वाले के साथ स्टेबल बनते हैं, किसके साथ है, प्लस थ्री वाले के साथ, प्लस थ्री वाले के साथ क्या बनेंगे, स्टेबल बनेंगे। कुछ ड्रग्स होती हैं जिनके साथ, जिनको डालकर जो जिस मतलब बंदे को ज़्यादा एक्सेस में आयरन डिपॉजिट हो चुका है उसको निकालने के लिए वो ड्रग्स दिया जाता है, जिसमें पॉली एमिनो एसिड्स हो सकते हैं जो कि बाइंडिंग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंड करते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोल सकते हो, पॉलीपेप्टाइड होते हैं उनके अंदर, पॉलीपेप्टाइड जो भी ड्रग्स दी जाती है पॉलीपेप्टाइड वाली, उनके अंदर क्या होता है वो चीलेट करते हैं आयरन प्लस थ्री को स्ट्रॉन्गली, और चीलेट करके उनको बाहर निकाला जा सकता है, जो एक्सेस में आयरन है उसको बाहर किया जा सकता है, और साइट्रोसिस डिसीज जो है याद रख लेना एक्सेस ऑफ आयरन इन बॉडी। क्लियर है भाई ये वाली बात, यहां तक की बात क्लियर हुई सबको एकदम से, क्या ये मामला क्लियर हुआ तुमको, फटाफट से एक बार बोल दो सभी मुन्ना लोग कि सर यहां तक का मामला एकदम क्लियर है, जोरदार क्लियर है एकदम, नो डाउट किसी को भी। नेक्स्ट डिसीज के बारे में जान लो, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया बोलो भाई, कैल्सीमिया लिख लो, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैलेमिया नहीं कैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, यहां से बहुत सी चीजें तुमको क्लियर हो जाएगी किस वजह से होता है, जल्दी से बोलो हाइपरकैल्सीमिया डिसीज किस वजह से होता है, किस से ट्रीट किया जा सकता है, पहले मैं बता चुका हूं, अगर कोई रेगुलर लेक्चर देख रहा होगा तो उसको पता होगा, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया किस वजह से होता है, किस से इसको ट्रीट किया जा सकता है हाइपरकैल्सीमिया को, जल्दी से बोलो फटाफट से, बोलिएगा मुन्ना लोग, हाइपरकैल्सीमिया बोलो, बोलो यार जल्दी जल्दी फटाफट से बोल दो, एकदम फास्ट फास्ट एकदम फास्ट, हाइपरकैल्सीमिया के अंदर कौन सा डिसीज क्या होता है, किस वजह से होता है, जल्दी से बोलिएगा फटाफट से, क्या लगता है तुमको किस वजह से ये मामला बिगड़ा है, किस वजह से ये सही होगा। अगर किसी डिसीज किसी के अंदर रैपिड लॉस हो जाए, क्या हो जाए, एकदम से भरपूर मात्रा में कमी आ जाए, कमी आ जाए एकदम से, कमी आ जाए किसके अंदर, कैल्शियम के अमाउंट में, किसी बॉडी के अंदर अगर क्या आ जाए एकदम से, एकदम से गिरावट आ जाए किसमें, कैल्शियम लेवल में, कैल्शियम लेवल क्या कर जाए एकदम से डिक्रीज कर जाए किसी पेशेंट के अंदर, उसकी बोन में से, ठीक है, फ्रॉम द हड्डियों ऑफ कैंसर, बट होना चाहिए कैंसर उसको, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं ना उनके अंदर एकदम से डिक्रीज आता है, ये डिक्रीज लेवल, कैल्शियम लेवल डिक्रीज इन बोन्स, हड्डियों के अंदर कैंसर पेशेंट के, कैंसर पेशेंट्स के जब
एकदम से क्या आ जाता है, डिक्रीज आ जाता है किसके अंदर, हड्डियों के अंदर कैल्शियम लेवल में डिक्रीज आ जाता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हमको कौन सा दिया जाना चाहिए, मैंने एक दिन पहले भी तुमको बताया था कि ये पूछा जा सकता है तुमसे, जब मैंने मेडिसिन करवाया था कुछ 5-7 मेटल्स का लिखवाया था उस टाइम पे, गैलियम नाइट्रेट लिखवाया था मैंने, गैलियम नाइट्रेट याद हो तो, गैलियम नाइट्रेट, गैलियम नाइट्रेट अगर तुमको याद है तो, सबसे इफेक्टिव है ये ट्रीटमेंट के लिए गैलियम नाइट्रेट। क्लियर है यहां तक की बात, बोलो भाई यहां तक का मामला क्लियर है कि नहीं है सबको, जल्दी से फास्ट फास्ट बोल दो एकदम से, बस फटाफट से बोल दो। एक क्वेश्चन था, मैं वो क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर मेरे को मिल जाता है तो भी तुमको वो क्वेश्चन भी करवा देता हूँ साथ ही साथ, एक मिनट वेट कीजिएगा बस, जस्ट क्वेश्चन था, कई मुन्ना लोग ने कर भी रखा होगा वो क्वेश्चन, मैंने पहले कहीं करवाया भी होगा आपको, क्वेश्चन को लिखिए आज का जो मैंने करवाया है इसके मामले पे, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको ये बताना है, ठीक है। पहला, एजुरिन ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड टेट्राइडल, दूसरा साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कैटालाइज H2O टू O2, ठीक है। तीसरा लिखो गलेक्टोज ऑक्सीडेज कैटालाइज प्राइमरी एल्कोहल्स, प्राइमरी एल्कोहल्स बाय O2 टू फॉर्म एल्डिहाइड एंड H2O2, बोथ सेकेंड एंड थर्ड, बोथ सेकेंड एंड थर्ड, जल्दी से आंसर करो भाई अब, क्लियर है मामला एकदम से, सोपी बोल रहे हैं एकदम से क्लियर है मामला, ठीक है भाई आंसर करो, पर क्लियर है तो आंसर कर दो फटाफट से एकदम से, आंसर कर दो क्या होगा, अगर इतना ही क्लियर है मामला तो आंसर सही आना चाहिए सबका। ओके जी जल्दी से आंसर कर दो फटाफट से एकदम फास्ट आंसर कर दो, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा तुमसे, एजुरिन का ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल होता है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कैटालाइज करता है अपना H2O को O2 के अंदर, और गैलेक्टोज ऑक्सीडेज कैटालाइज करता है प्राइमरी अल्कोहल बाय O2 टू फॉर्म एल्डिहाइड एंड परोक्साइड, जल्दी से आंसर कर दिया जाए मुन्ना लोग फास्ट फास्ट कि क्या होगा आंसर, जल्दी जल्दी बोल दिया जाए बस फास्ट फास्ट, सभी मुन्ना लोग आंसर करेगा, बोलो बोलो मेरे मुन्ना लोग बोलो फटाफट से फास्ट फास्ट बोलो, आंसर करो यार, फंस गए हो मेरे को लग रहा है, आंसर नहीं कर रहे हो, मामला गड़बड़ लग रहा है मेरे को लग रहा है मामला गड़बड़ है, बोलो यार मामला गड़बड़ लग रहा है मेरे को, आंसर नहीं आ रहा तुम्हारा,
आंसर नहीं आ रहा है मुन्ना, आंसर नो टाइंग, चार चार चार, पम्मी वर्मा का चार, सोफी का डी, चार डी चार डी, अच्छा इसको तीन लिखा हुआ, ठीक है टू एंड थ्री। कि तुम ये बोल रहे हो कि हम एजुरीन वाली स्टेटमेंट को गलत बोल रहे हैं और दो और तीन वाला ठीक है, तो एकदम क्लियर है तुम्हारा बात, ये वाला आंसर तुम्हारा एकदम से, तुम्हारा आंसर एकदम से गलत है, 100% ही गलत है तुम्हारा, एकदम से 100% ही गलत आंसर है तुम्हारा। ये तो बात मैं भी तुम्हारी मान लेता हूं कि ये टीबीपी होता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, एजुरीन की टीबीपी होती है ना सर, बिल्कुल हाँ जी टीबीपी होती है ट्राइगोनल, एक ग्लाइसिन आ जाता है एक ऑक्सीजन वहां से बस, ठीक है। अब मैंने एक बात बोली यहां कि साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है वो कैटलाइज करता है H2O को O2 में, मैंने सिर्फ थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दिया इसको, ऐसे ऐसे से ऐसे कर दिया, टू से इधर और इधर का मामला मैंने चेंज किया है सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि टू वाला तो तुमको बहुत करवाया था, O2 से H2O के वाला तो, O2 से H2O वाला मामला तो तुमको करवा रखा है मैंने, और तुम देखते पे ये तो भाई इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि गैलेक्टोज ऑक्सीडेज है वो कैटलाइज करता है 1 डिग्री एल्कोहल को, ROH को किसमें, एल्डिहाइड के अंदर, और तुमको अभी बताया था उसी दौरान O2 किसमें कन्वर्ट होता है H2O2 के अंदर, तो साथ में अपने पास क्या बनता था O2H2O, ये बात तो तुमको क्लियर है। गैलेक्टोज को क्या कर देता है ये, गैलेक्टोज का जो 1 डिग्री का एल्कोहल होता है, गैलेक्टोज मैंने पढ़ा दिया तुमको, बायोमोलिक्यूल का जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर गैलेक्टोज वाला मामला मैं करवा चुका हूं तुमको, किसी को डाउट हो तो। अब मैंने सिर्फ यही पूछा है भाई साहब ये वाला जो मामला है ना, ये वाला इसमें तुम थोड़ा सा पढ़ तो तुमने यही रखा है, ये थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया, थोड़ा सा तुम्हारे लिए उल्टा लिखा है, अरे थोड़ा सा उल्टा लिख दिया भाई साहब, ये रिएक्शन ऐसा होता है, सुन लो मेरी बात, ये रिएक्शन अगर तुमको पता हो तो ऐसा होता है, O2 प्लस चार प्रोटोन प्लस चार इलेक्ट्रॉन और क्या बनता है 2H2O, ये बनता है भाई साहब, और यहां मैंने क्या लिखा है, ये साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज का मामला है, बोलो यार, और यहां मैंने क्या लिखा है H2O2O2, फंस गए ना सारे, बोलो पढ़ रखा था ना, और अब गलत हो गया तो अब तुम जिंदगी में भूलोगे नहीं, ये भी कन्फर्म है, ये गलती तुम भूलोगे नहीं, अब साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज में तुम भूलोगे नहीं कि O2 से वाटर बनेगा ना कि वाटर से O2 बनेगा, फंसे हो कि नहीं फंसे, अपना आज का काम हुआ कंप्लीट फंसाने वाला तुमको एकदम से, यस यस सर उल्टा हो गया बिल्कुल एकदम से, तो सिप का सही है, तीन आ रहा है, गैलेक्टोज ऑक्सीडेज कैटलाइज प्राइमरी एल्कोहल टू O2 टू फॉर्म एल्डिहाइड एंड H2O2, बहुत क्लियर भाई एकदम से क्लियर है सबको, बोलो भाई साहब मामला जोरदार था, क्या किया उसके बाद एक क्वेश्चन और तुमसे लगवाया जाएगा लास्ट में, अब मुझको ये बताइएगा यहां तक का मामला आज के इस सेशन के अंदर, जितने देखो जब तक तुम सीक्वेंस में याद नहीं रखोगे ना किसी भी चीज को तो मामला गड़बड़ी होगा, तुमको टिप्स पे हो जाने चाहिए, मैं कह रहा हूं एकदम से टॉपिक टॉपिक तुम्हारे अगर टिप्स पे भी हो गए ना कि ऐसे ऐसे हमने ये सीक्वेंस में किया, और मैं सीक्वेंस में ही करवा रहा हूं तुमको, अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में आ जाता है हीमोसाइनिन, वहां हीमोसाइनिन पढ़ा था हमने, आपने पढ़ा था कॉपर होता है, ठीक है हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के बाद हीमिथ्रिन और हीमोसाइनिन पढ़ते हैं, ये कॉपर प्रोटीन्स का ही पार्ट है, बट ये टाइप 3 के अंदर आता है, टाइप 1 के अंदर जिनको ब्लू कॉपर प्रोटीन बोलते हैं, ब्लू कॉपर प्रोटीन, और टाइप 2 के अंदर गैलेक्टोज ऑक्सीडेज टाइप का, इसका काम मैंने बता दिया आपको, 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड प्लस H2O2, और उसी दौरान क्या होता है O2 कन्वर्ट होता है इसके अंदर और ये कन्वर्ट होता है इसके अंदर, इसमें प्लास्टोसाइनिन एजुरिन, इसका ज्योमेट्री हमने डिस्कस किया था, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल होता था, इसका टीबीपी ज्योमेट्री होता था, ये डिटेल में डिस्कशन हो चुका है, ठीक है जिसने नहीं देखा देख लेना, ये स्टेलोसाइनिन वाला मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, हुई में दिया हुआ है तुमको, हुई में दिया हुआ है ये वाला, अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लेना भाई, इस पर क्वेश्चन भी करवाया था तुमको एक, अगर मेरे को याद है तो, ये रहा स्टेलोसाइनिन पे एक क्वेश्चन भी बनाया था, ये देख लो अगर तुमको ध्यान में हो तो, स्टेलोसाइनिन वाला ये रहा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी हुई से फ्रेम करके बनाया गया है, हुई की स्टेटेड C3V पॉइंट ग्रुप वाला ये वाला क्वेश्चन, हाँ जी हाँ जी, प्लेनर होगी उसमें एक एक्सियल लिगेंट होगा, एक्सियल होगा एक्सियल, बिल्कुल
ठीक है, ये एक की बात कर रहा है, ये भी ध्यान रखना एक की बात कर रहा है, ये सिर्फ एक की, ये भी ध्यान रखना कि एक की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि तीन कोपर अलग भी होते हैं जो कि एक ट्रायंगुलर एरे बनाते हैं, वो अलग भी होता है एक। ठीक है, तुमको ऐसे लिख के भी दे सकता है, ट्राइंगुलर विद एक्सियल लिगेंड, ऐसे भी लिख के दे सकता है स्कोरबेट के अंदर, ट्राइंगुलर विद एक्सियल लिगेंड, ट्राइंगुलर एरे विद एक्सियल लिगेंड, एक्सियल लिगेंड बोथ टाइप वन, बोथ टाइप वन क्या, बोथ टाइप वन क्या बोले हो आज का, कहां से स्टार्ट किया था भाई मामला, यहां से स्टार्ट किया था, देख लो एक बार, ये वाला टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री, यहां से हमने बात किया टाइप टू के अंदर गैलेक्टोज ऑक्सीडेज, उसके बाद टाइप टू, बोथ टाइप वन क्या बोल रहे हो, हाँ बोथ टाइप वन होगा, मतलब ऐसे पूछ रहे हो ना कि उसमें अंदर मल्टी कोपर प्रोटीन है, मल्टी कोपर में टाइप वन भी आएगा, टाइप टू भी आएगा, टाइप थ्री भी आएगा, दोनों के अंदर जो टाइप वन का कोपर होगा उसकी ज्योमेट्री है ये जो तुमको बताई गई है, ये जो तीन बनते हैं, दो इसके होते हैं एक इसका होता है, अभी मैं दिखा रहा हूं थोड़ी देर में दोबारा, अभी जो करवाया था ये मैंने सबसे पहले तुमको ये बताया कि ये चीजें हमको पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की गैलेक्टोज ऑक्सीडेज के बारे में, गैलेक्टोज ऑक्सीडेज नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन है, इसका जो ब्लू कॉपर, इसका कलर जो ब्लू होता है वो टाइप वन के प्रेजेंट होने की वजह से होता है, फाउंड किसमें है, ये फंगी के अंदर पाया जाता है, कैटलाइज करता है सी एच टू ओ एच ग्रुप प्रेजेंट इन गैलेक्टोज टू एल्डिहाइड, और यहां नाम से तुमको पता चल रहा है कि गैलेक्टोज है, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीडेशन करेगा, एज का मतलब एंजाइम, वो एंजाइम जो गैलेक्टोज का क्या कर दे, ऑक्सीडेशन कर दे, ऑक्सीडेशन ऑफ द प्राइमरी एल्कोहल, तुमको पता है कि अगर तुम पूरा स्ट्रक्चर देखोगे तो तुम्हें लास्ट में एक ही वन डिग्री एल्कोहल मिलता है, बाकी तो सारे ये बीच वाले तो क्या होते हैं, टू डिग्री होते हैं, ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होता ही है। ठीक है, ये मैं करवा चुका हूँ बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में, तो यहां से ये इसको कन्वर्ट करता है। हाँ हाँ बिल्कुल, टाइप वन की ज्योमेट्री बताया था मैंने अभी, देख लो आगे आएगा दोबारा फिर बता देंगे, और इसके अंदर एक डिग्री अल्कोहल के अंदर स्क्वायर पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होती है, इमिडाजोल के दो होते हैं, दो टायरोसिन के होते हैं, एक एसीटेट का होता है। ठीक है, इसके अलावा टाइप फोर, कई बार इसको टाइप फोर भी बोला जाता है और ऐसे भी बोल दिया जाता है, मल्टी कोपर प्रोटीन, मल्टी कोपर प्रोटीन या टाइप फोर, टाइप फोर या मल्टी कोपर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो हमने पढ़ा था टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री, उन सबका कुछ ना कुछ यूनिट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि एस्कॉर्बेट लेकेज और सेल्यूलोप्राजमिन, इसको अंदर सेल्यूलोप्राजमिन के अंदर मैंने करवाया था छह, आपको छह यूनिट, सेरोप्लाज्मिन के अंदर छह यूनिट होती है टोटल कॉपर की, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो यहां अगर हम बात करें, पहला कैटलाइज O2 टू H2O सेम ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से मल्टी कॉपर प्रोटीन है एस्कॉर्बेट, मोनोन्यूक्लियर होता है टाइप वन और टाइप टू, मतलब एक एक कॉपर आएगा टाइप वन से टाइप टू से, और दो आएंगे किससे, टाइप थ्री से, टोटल हो गए चार कॉपर, टोटल चार कॉपर, चार में से तीन तो एक एरे बनाते हैं जिनको कॉपर थ्री बोल देते हैं, और जो टाइप वन होता है उसके साथ दो नाइट्रोजन जुड़े होते हैं, एक सिस्टीन सल्फर एक मिथियोनिन सल्फर। ठीक है, टाइप वन की ये है और टाइप थ्री ये वाला कॉपर थ्री वाला, और जैसे ही दूसरे के ऊपर जाते हैं लेकेज के ऊपर जाते हैं तो वहां मल्टी कॉपर प्रोटीन है, ये भी टाइप वन इसके अंदर कॉपर अलोंग विद कॉपर थ्री एरे सिमिलर टू एस्कॉर्बेट, जैसा एस्कॉर्बेट के अंदर होता है सेम किसके अंदर होता है, लेकेज के अंदर होता है, यहां सिर्फ एक यूनिट टाइप वन वाले में जो मिथियोनिन था वो मिसिंग होता है बस, ये एक्सियल वाला जो लिगेंड था ये मिसिंग होता है किसके अंदर, यहां सिर्फ, ये कंप्लीट ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। ठीक है, साइड्रोसिस डिसीज कौन सा होता है, एक्सेस ऑफ आयरन की वजह से होता है, आयरन का बॉडी में ज्यादा जमा हो जाना, ज्यादा इकट्ठा हो जाना जो डिसीज क्रिएट करता है, किडनी लिवर्स पे इफेक्ट डालता है, उसको बोलते हैं साइड्रोसिस डिसीज। साइड्रोसिस नाम से याद होना चाहिए, साइड्रोफोर्स पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, जो कि बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है, साइडोफोर जो बैक्टीरिया के अंदर क्या करता है, आयरन का ट्रांसपोर्ट करता है, वैसा ही नाम है साइड्रोसिस, अगर तुमको ध्यान में हो तो। सर लंच टाइम हो गया, क्वेश्चन जब क्वेश्चन करवा देता हूं, एक मिनट सुनो, कोई देख लेता हूं कोई बढ़िया सा क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन एक देख लेते हैं, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई बढ़िया सा क्वेश्चन देख लेते हैं,
अच्छा बताइएगा, थोड़ा सा रिवीजन टाइप का रहेगा इस टॉपिक का तो नहीं रहेगा? लंच टाइम हो गया है, चलिए जी लंच टाइम हो गया है तो क्वेश्चन लगाइएगा और अपना लंच कीजिएगा। लो भाई लिखो, द मेटल प्रेजेंट कितना तैयारी हो रहा है तुम्हारा देख लो, द मेटल प्रेजेंट एट द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट ऑफ द मेटेलो एंजाइम्स, मेटेलो एंजाइम्स जेंथाइन ऑक्सीडेज एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ऑप्शन ए है मेरे पास मोलिब्डेनम प्लस फोर एंड जिंक टू पॉजिटिव, दूसरा है मोलिब्डेनम प्लस सिक्स एंड जेड एन टू पॉजिटिव, तीसरा है मेरे पास मोलिब्डेनम प्लस फोर एंड कॉपर टू पॉजिटिव, और फोर्थ है मेरे पास मोलिब्डेनम सिक्स एंड एमजी टू पॉजिटिव। कर दो भाई आंसर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं तुम्हारे लिए, ये आंसर सभी मुन्ना कर सकते हैं तुम में से, जल्दी से आंसर कर दो फटाफट से, बस एकदम फास्ट सा आंसर कर दो। दो आंसर आ रहा है मेरे पास, दो आ रहा है, दो आंसर आ रहा है, दो आंसर आ रहा है मेरे पास। बाकी लोग बोलो भाई क्या ये आंसर सही है दो वाला, मुझे तो लग रहा है मोलिब्डेनम प्लस फोर होना चाहिए, मुझको तो ऐसा लग रहा है कि मोलिब्डेनम प्लस फोर हो जाना चाहिए। बोलो भाई जल्दी से फटाफट से, मोलिब्डेनम प्लस सिक्स एक्टिव साइट होती है, ठीक है, ये यहां जेंथाइन होता है, ठीक है, जिसका क्या करना होता है ऑक्सीडेशन, और जेंथाइन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है मोलिब्डेनम को, मोलिब्डेनम होता है प्लस सिक्स के अंदर, जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है मोलिब्डेनम कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, मोलिब्डेनम प्लस फोर के अंदर। ये एक्टिव साइट होती है, ये एक्टिव साइट होती है, ये इनएक्टिव होती है, ठीक है, और ये इनएक्टिव फिर अपने अगले इलेक्ट्रॉन किसको, ये दोबारा अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है Fe2S2 को, और ये फिर अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है FAD को, और FAD किसको दे देता है O2 को, तो यहां से जैसे ये इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर मोलिब्डेनम किसमें आ जाएगा प्लस सिक्स के अंदर, फिर एक्टिव हो जाता है, फिर भाग के कहां चला जाता है यहां आ जाता है, फिर इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। आ रही बात समझे, ये सीक्वेंस चलता है पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के दौरान। बोलिए साहब क्या मामला क्लियर हुआ, एकदम से, एकदम से मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बोलिए, फास्ट फास्ट बोलिए जल्दी से एक बार, क्या मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्या सबको ये बात क्लियर है मोलिब्डेनम प्लस सिक्स एंड जिंक प्लस टू, नो सर प्लस फोर में इनएक्टिव हो जाता है, यस एकदम करेक्ट, आंसर बी इज द राइट आंसर, क्लियर है सबको। चलो भाई अभी अपन मिलेंगे 3 बजे बायोमोलिक्यूल के साथ, और उसके बाद 6 बजे केमिकल बॉन्डिंग के साथ। और भाई तुम कोड यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोड यूज नहीं कर रहे हो ना जी, तुम ही करो बस, अपन 1:30 बजे करेगा, 1:30 बजे 1:30 कोड यूज करो भाई, बी कैम 10 कोड यूज करके, प्लस सब्सक्रिप्शन के दौरान कोड यूज नहीं कर रहे हो तुम, ठीक है,
ये वाले अपने लेक्चर चल ही रहे हैं एकदम से, 11 लेक्चर नंबर 11 पे आज हम आ जाएंगे। और इसके अलावा भाई तुमको क्या करना है, प्लस सब्सक्रिप्शन के दौरान कोड यूज जरूर करें, BKM10 कोड यूज करें, ठीक है, BKM10 ये यूज करना है तुमको और 10% डिस्काउंट के लिए। सभी मुन्ना सुन लेगा, ठीक है। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको अराउंड राउंड पड़ेगा 5600 के आसपास, 625 रुपये कुछ इस पे डिस्काउंट मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 10% डिस्काउंट के बेस पे, 6000 के पीछे 600, 250 के पीछे 25, मतलब 625 रुपये का डिस्काउंट करने के बाद आपको कितना पे करना होता है, 5600 कुछ 3 महीने के लिए। और मैं कहता हूँ 3 महीने में तुम सब कुछ कर सकते हो, अगर 6 मंथ और 12 मंथ में देखो तो मैं प्रेफर करता हूँ 12 मंथ को, 3 मंथ में जा रहे हो तो वो तो आपकी इच्छा है कि आप 3 महीने में सारा सिलेबस पढ़ना चाहते हो, बस ये शर्त ये है कि आपके पास टाइम होना चाहिए, क्योंकि सबसे जल्दी आप सिलेबस कर सकते हैं। कोई ऐसा बोलता है ना कि 3 महीने में सिलेबस कैसा होगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे मान लीजिए 100 बैच चल रहा होगा, 100 एजुकेटर पढ़ा रहा है, 100 एजुकेटर अलग अलग बैच चल रहा होगा, कोई बैच कंप्लीट हो चुका होगा, तो रिकॉर्डेड और लाइव सब देख सकते हो। कोड यूज करने का BKM10 फॉर 10% डिस्काउंट, ये आपको अराउंड राउंड पड़ेगा फिर 5625 कुछ पड़ेगा, ठीक है, तो वो देख लेना कितना पड़ता है, 5600 कुछ रुपीज का, ठीक है। तो इनको देखिएगा, सब्सक्रिप्शन लेते टाइम BKM10 कोड को यूज कीजिएगा, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे एकदम से, ठीक है। ठीक है भाई।